बड़े वाला एक्सीडेंट हो गया। जो गाड़ी पार्किंग पे लगाई थी तो उन्होंने यहाँ पे रेहड़ी लगाई है। तो ये गाड़ी खड़ी है हमारे खेत में। इधर अभी मम्मी परेशानी हो रही है पार्किंग की, उनकी गाड़ी कहाँ लगाई जाए। बस तो सुबह सुबह ही 11 बजे के करीब मौसम कैसा खराब हो गया, बारिश आ रही है। आज हम बारिश हो रही है तो अभी हल्की हल्की बूंदे हैं। देखिए मेरी वॉशिंग मशीन पे कौन बैठा है, कबूतर महाराज जी बारिश से बच रहे हैं। हमने ढका, मैंने मशीन में भी कवर ढक देती हूँ। गली देख लीजिए हमारी, भीग रही है बुछारों से, सही बारिश पड़ रही है भाई। आज कैसे जाएंगे, आज जाना था हमें अपनी नंद के घर, कैसे जाएंगे देखते हैं क्या होगा शाम तक। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। आज मैं आई हूँ खेत में, मतलब खेत था पहले, बंटवारा हो गया तो अलग अलग हो गया सबका। तो मैं जा रही हूँ अपनी नंद के पास, जो कि वो थोड़े बीमार हैं नंदोई, तो उनसे ही मिलने जा रहे हैं। तो ये रही हमारी गाड़ी और खेत, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये गाड़ी खड़ी है हमारे खेत में। इधर अभी मम्मी जी ने कमरे बनवाए हैं। इधर इतना लंबा पड़ता है, इधर समर सेवल का पाइप हटा दिया, अंडरग्राउंड वो करवा दिया। जा रही हूँ एक कमरे में जो कि खुला है, देखती कोई कपड़ा और गाड़ी क्लीन करनी है। गिरगिट है तो क्या हुआ, खेत में तो गिरगिट गिरगिट रहती है, कोई कपड़ा ही नहीं दिखाई दे रहा बाइक में। तो मुझे बाहर ही एक कपड़ा नजर आया, किसी बच्चे की चड्डी है। इसी में साफ करेंगे। सारे पेड़ों में तेरी दादी पानी नहीं दे रही क्या, सूख रहे हैं। पहले तो पूरे में फैला हुआ था ये पेड़ पौधे, तो पक्का कर दिया। चलना भी है, इतने हूँ तो वीडियो बनाओ। समरसेबल का पानी है तो क्या हो गया, किस में है, फिर इससे करवा लो ना। वो तो बैठ गए अंदर और हमसे गाड़ी साफ करवा रहे हैं। देखो 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 देखो, दिखाई दे रहे तो गजब बेइज्जती। थोड़ी कवर में चढ़ के धूल मिट्टी लग गई थी तो इसलिए गंदी हो गई गाड़ी, तो धूल मिट्टी की गाड़ी निकालना अच्छा लगता ना, इसलिए साफ किया जा रहा है। क्या अब चलो खोल लिया जाए गेट, गेट खोल रहे हैं भाई, बाद में बैठेंगे जब ये निकाल लेंगे। तो चल दिए भाई हम अपनी नंद के घर, अब रास्ते में रुक रहे हैं तो फल फ्रूट ले लें भाई, लड़की के घर जाना है। हमारे सामने चल रहा है जेसीबी वाला, पूरे रास्ते तंग करता हुआ चल रहा है हमें, ओवरटेक करने ही नहीं दे रहा है। बस थोड़ी दूर अब इसको झेलना पड़ेगा, जैसे झेलेंगे तभी तो निकल पाएंगे, तब थोड़ी थोड़ी दूर झेलना ही है भाई। चलो चला गया उस साइड में, लाइट आ जाएगी तो मैं फोन कर दूंगा। हेलो ऐसा ना है, हाँ वेन्यू वेन्यू नहीं है ना। आपको दिखा दूं मैं दिल्ली का ट्रैफिक की, कितना ज्यादा ट्रैफिक चलता है हमारे दिल्ली का हाल। ये देखो टायर ले जाता हुआ, चोरी कर लिया गया इसमें किसी का। दिल्ली आए तो ट्रैफिक से जरूर घबराएं। बस स्टॉप सब वेट कर रहे हैं बस का। ये दिल्ली है मेरी, अच्छे से गा रहे हो, बोलो अच्छे से। दिल्ली के ट्रैफिक में बहुत परेशान है ना, और आज वैसे भी हम परेशान हो गए, हमारी गाड़ी का एसी खराब हो गया है। अब हमें गर्मी लग रही है इसमें, बाहर की हवा खा रही है, बाहर की हवा, ताजी हवा। अशु आप कुछ कहना चाहोगे गर्मी के हालातों में? अशु सोच रहा था कि मैं मजे करूंगा मम्मी पापा के साथ जाके। अशु सोच रहा था मैं एसी में बैठूंगा पीछे आराम से, अब क्या करें। अबे अर्शु, हर्ष क्या करेगा अब, अर्शु को ठंडी हवा नहीं लग रही आज। वो दोनों घर में बैठ के सोच रहे होंगे मजे कर रहा है। तो क्या हो गया अर्शु, है थोड़ी देर ही तो गाड़ी में बैठना, फिर तो अपनी बुआ के यहाँ पे जाना है, है? ये गाड़ी के लिए खरीदना है, अपनी बुआ के लिए आया है। अच्छा है, तो सही बच्चा है। ओ, ओ। वो
बनाते जा रहे हैं, पुल बनाते जा रहे हैं। आज तो गाड़ियों की आवाज आ रही है, शाइन शाइन बाहर की आवाज। मौसम सही है इस वजह से झेल पा रहे हैं। मौसम गर्म होता ना अभी, सबकी हवा टाइट हो जाती। सही कह रहे, पुल बनाने का वैसे फायदा तो हो गया है ना, ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर ऊंचाई पे चल रहा है। ऐसा पुल बनाएगा क्या तू, इंजीनियर बन जा। कैमरे में आया हूँ मैं, क्या मालूम यहाँ हो कैमरा, गुप्त कैमरा। नहीं ये रोड अच्छा लगता है ना, हरियाली वाले ये रेल। हाँ अपनी बहन के यहाँ आस पास रहो, अपना इलाका बुरा है। और क्या बुरा है, हाँ दूर भी है, हर चीज दूर हो जाएगी, हमारे बच्चों के स्कूल वगैरह मुझे भी याद ही नहीं है यहाँ का रास्ता। और हाँ ये मोड़ है ना यहाँ पे, झुग्गी आ जाती है ऐसी, तो सोच लो ये गांव आ गया, गांव आ गया। तो ये गांव का एरिया आ गया। चलो जी आ गए हम, परेशानी हो रही है पार्किंग की कि गाड़ी कहाँ लगाई जाए। दिखाती हूँ आपको गाड़ी कहाँ लगाने की सोच रहा है। तो बड़े इलाके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग की, तो हमने अपने ही नंद की गली के इधर आगे स्टॉल वाले हैं ये जो बगल में चाय वाय बेचते हैं, उनसे पूछा तो उन्हीं की दुकान के सामने हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी कुछ एक दो घंटे के लिए। तो ये है मेरी नंद का घर जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी बहुत। मेरी नंद हमारे लिए कुछ खाने पीने का सामान बना रही है और कह रही है कि देख लो भाभी आप तो आए नहीं जब घर बना। तो सही में हम आए नहीं है, एक साल बाद ही आए इनके घर पर। तो अब हो गई रात, हम चल दिए। जो गाड़ी पार्किंग पे लगाई थी तो उन्होंने यहाँ पर रेहड़ी लगाई है, तब गाड़ी निकालते भी चलते घर की तरफ। तो सुबह अंधेरा हो गया, मिल के आ चुके हैं, अपना चलते हैं घर की तरफ। अंधेरा हो गया, काफी दिनों के बाद अब अपनी बहन से मिले, कैसा लगा, कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? लाल तो मैं गाड़ी चलाना चाहूंगा। नहीं नहीं कुछ कह रही हूँ, चलाते चलाते तुमने भाई से मिलते तुझे कैसा लगता है? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। कह रही एक साल हो गए आए हुए, कल लड़के के बर्थडे पे आए थे और अब इतने एक साल बाद आए, भाई दूर भी तो है क्या करे। यहाँ पे ये फोन पे बात कर रहे हैं अपने वही सर्विस सेंटर के वाले जो भी हैं उनसे कि गाड़ी का एसी जो है ऑन नहीं हो रहा है और आपकी लाइट पेंडिंग है, इसी बारे में। तो अब हम चल दिए घर की तरफ, हम आराम से जा ही रहे थे चारों तरफ देखते हुए। खैर देख तो मैं रही थी, गाड़ी तो यही चला रहे थे, अचानक ही आगे हमने क्या सीन देखा कि एक स्कूटी जो एकदम से टकराई और ऊपर से दो चार अलबेट खा के ऐसे गिरी है। ये स्कूटी वाला ही है जिसको लग गई है शायद हाथ में, हेलमेट था तो ये बच गया है बेचारा, नहीं तो बचने के चांसेस नहीं थे इसके। तो सब लोगों ने इसकी हेल्प की, जाके उठाया इसको। हम भी सोच रहे थे जाएं लेकिन सब लोगों ने मदद कर दी है, तो हम खाली बस ऐसे ही देख ही रहे हैं। वीडियो बनाती तो आप देखते कि किस तरीके से बेचारा बचा है। तो भाई ध्यान से चलाएं गाड़ी को क्योंकि घर में आ गई हूँ आते साथी। ये देखो मेरे पेट एडम, मैं चली गई थी तेरे को छोड़ के, कैसे पागलों की तरह कर रहे हैं। एडम शैतान, चलो अपने शूज तो निकाल लो। फाइनली घर में आ गई हूँ, ये तो चले गए किसी काम से, मैं हाफ रास्ते में उतर गई थी तो अभी आई हूँ। भाई एक ग्लास पानी दे दे मेरे को, प्यास लग गई थोड़ा चल के आई हूँ। तो ब्लॉग की एंडिंग में यहीं करती हूँ, रात हो चुकी है। ये देखो ये कैसे मस्ती कर रहे हैं, इनको लग रहा है मैं कितनी दूर चली गई थी यार, कुछ घंटों के लिए गई थी। तो ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना। बच्चे हंस रहे हैं मेरी शक्ल देख के, इसलिए मुझे भी हंसी आ रही है। ओके बाय।